हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज की स्टडी। तो हमारी ये फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की थर्ड क्लास है ये हमारी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकती है। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितने गुना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावक मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था में प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, अधिस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12/sin³√h/g। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कम्प्लीटली फ्रैक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चार पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिरोध आर है, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हों तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलन का दोलन चल रहा है, ऐसे में पहला दे रखा है, जब गोला माध्यम स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। दूसरा है, हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। अगला दे रखा है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुँचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। इन कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिए वाला वाहन, पहला दे रखा है, बाहरी पहिए पर उल्टेगा,
दूसरा है अंदर के पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अगला है अंदर की तरफ फिसलेगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक और तीन कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रम से एक्स वाई जेड दूरी रुके तो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी एक्स बराबर वाई बराबर जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुख पृष्ठ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परवलयी वक्र का आकार लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए बराबर यू माइनस वी बटे टी। फॉर्मूला होता है हमारा यू प्लस ए टी बराबर वी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पृथ्वी व वस्तु का भार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट, निर्वात की स्थिति में समान भार की वस्तुएं समान ऊंचाई से गिराने पर समान समय पर भूतल पर पहुंचती हैं, जबकि हवा की उपस्थिति में भारी वस्तु पहले तथा हल्की वस्तु बाद में भूतल पर पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो रह सकते क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जी का मान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, यानी गुरुत्वीय जनित त्वरण जीई बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण m बराबर 10^6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय टी विस्थापन डी का विवरण किससे सही प्रदर्शित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, यानी ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 980 से बड़ा होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारहीनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखाई देता है, उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकाली उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये वाली इमेज बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन है हमारा कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा
पृथ्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। और कारण आर, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रहों को निकास वेग मिल जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी गति के कारण आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की कुंडल कमानी में ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ को कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, यानी बी और सी। ये हमें जो कंडीशन दे रखी है, यानी त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का उपयोग है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, उसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड² का त्वरण उत्पन्न करता है, बल का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षितिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षितिज दूरी करे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगा। नितिन पानी में तैरता है, यह गति के किस सिद्धांत को सत्यापित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आकाश में उड़ते पक्षी में होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल 6 कारी बल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3.6×10^6 जूल के। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में
तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बैटरी शेल में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दबाव को सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है जो? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है क्योंकि संवेग ज़्यादा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेल इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है आवेग माप है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तल की प्राकृतिक और अभिलंब प्रक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी लीवर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लासर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षैतिज में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी दुगना हो जाएगा। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई कर्तव्य दिखा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के कारण। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो भी लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।